शासन की योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभान्वित कराने के उद्देश्य को लेकर महापौर आयुक्त ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली, वहीं प्रगतिरत कार्य को शीघ्र करने के निर्देश दिए। दुर्ग निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में हो रहे विकास कार्यों से संबंधित शीघ्रता से निराकरण करने के उद्देश्य से नगरपालिका निगम महापौर धीराज बाकलीवाल, आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम क्षेत्र में जारी विकास कार्यों को लेकर डाटा सेंटर में बैठक आयोजित की, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, गौठान और आजीविका गतिविधियों को गंभीरता से लेकर कार्य करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि महापौर धीराज बाकलीवाल एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी की मौजूदगी में इंजीनियरों के साथ निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सभी वार्डों में विकास कार्यों से संबंधित अधिकारियों से कार्यों की जानकारियां लेते हुए शासन की योजनाओं को हर व्यक्ति को लाभान्वित कराने के उद्देश्य लेकर कार्य करने कहा। साथ ही बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान महापौर ने अधोसंरचना मद के तहत विकास कार्यों के साथ विकास कार्य और सभी वार्डों पर प्रस्तावित कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। 14वें वित्त का कार्य, 15वें वित्त अधोसंरचना, महापौर निधि, पार्षद निधि, संधारण मद सभी कार्यों को समय सीमा में करने, डीएमएफ के कार्यों को भी समय सीमा पर करवाएं, विकास कार्यों को गुणवत्ता के बारे में कहा और अप्रारंभ कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने के सहित समस्त अपूर्ण कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।